जाते रहो जाते रहो, क्योंकि मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में चोर घूम रहे हैं। कब किसके घर या दुकान में चोर धावा बोल दे कहना मुश्किल है। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में आए दिन चोरी की लगातार वारदातें घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली ही हैं। चोरों द्वारा मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र को चोरी के लिए सेफ जोन मान लिया है, क्योंकि रात्रि गश्ती में प्रति पुलिस सैनिक भी संवेदनशील नहीं है, जिस कारण चोरों द्वारा जहां मन किया वहां जाकर चोरी कर लिया। कभी मंत्री जी के आवास के सामने से साइकिल चुरा ली, तो कभी बच्ची बंधक बनाकर मधुपुर में चोरी कर लिया, तो कभी बंद घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली। अब चोरों ने सेंधमारी करके चोरी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, चोरों ने पथरोल थाना क्षेत्र में सेंधमारी करके लाखों रुपए की चोरी कर चलते बने और पुलिस हाथ मलती रह गई। शहर से लेकर गांव तक लोग चोरी की हो रही लगातार वारदातों से सहमे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक चोरी के किसी भी मामले का उद्भेदन नहीं किया है। बहरहाल मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में जिस तरह चोर द्वारा चोरी करके पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, उससे प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में चोरी की घटनाओं में कमी के बजाय कहीं बढ़ोतरी न हो जाए। आरपी भारत के लिए मधुपुर से ब्यूरो इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। मैं बीती रात में मेरे यहाँ संगमारी करके दुकान में चोरी हुआ है, और जैसे कि कस्टमर का दिया हुआ सामान था, जरवी मठिया था 200 ग्राम का लगभग, मंगलसूत्र का लॉकेट था और सोना का बेसर वगैरह था, चांदी का पायल था, सिटी गोल्ड का सारा सामान था, गला का सेड़ था, गाड़ा था, इन्वर्टर पंखा तोलने वाला जो मशीन था, कंप्यूटर मशीन, वो उस पर क्या बोलते हैं तराजू वगैरह, बाकी और बाजार जितने प्रकार का बाजार था मेरे यहाँ सारा सामान ले गया। बहुत प्रकार का मेरा कागजी सामान जो था, पंचायत रिलेटेड जो पेपर मेरे पास था वो भी सारा पेपर ले गया, चेकबुक ले गया है, अन्य जो जरूरी कागजात था मेरा रखा वो सारा ले गया। गला में पैसा हुआ था लगभग 7-8 हज़ार रुपये गला में था, खुदरा पैसा, वो गला खोल करके ले गया था, गला फेंक दिया था ले जाके बाहर में, फिर पुलिस आई, फिर उन लोगों के द्वारा कहा, फिर हम लोग वापस लाए उसको। आपको जानकारी कैसे? हम लोग गरीब ग्रामीणों के द्वारा हमको 6:30 बजे सुबह घर में जाके बताया कि आपका दुकान में चोरी हुआ है, तो फिर आन फिर हम दौड़ के यहाँ दुकान पहुँचे तो देखिए बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था दुकान में, दुकान खोले तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, दुकान का जो बैग था वो बैग पीछे खेत में पड़ा हुआ था, बहुत सारा कस्टमर का सामान था, छोटा छोटा सामान जो आध नहीं है उतना, जो दिया हुआ सामान था बनाने के लिए वो रखा हुआ था यहाँ शोकेस में, अनुमानित तो लगभग 1,00,000 रुपये का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा पुद्दार है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।